मुगले आजम फिल्म का एक बेहद प्रचलित गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुजफ्फरपुर की रुखसाना के प्रेम की दास्तां सुनने के बाद इस गाने का एक एक शब्द आंखों के पर्दों पर उतरता नजर आता है, क्योंकि निडर होकर प्रेम के पथ पर चलने से ना तो वो डरी ना ही झुकी। और इस बात की गवाही हाजीपुर से आई तस्वीरें देती है। मुजफ्फरपुर की निवासी नौशीन परवीन उर्फ रुखसाना और वैशाली के रहने वाले रोशन कुंवर जयपुर के SRPS कॉलेज में 2018 में पढ़ाई करने गए थे। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल दोनों इस प्यार के बंधन में बंधे रहे। इसके बाद रुखसाना और रोशन ने शादी का फैसला किया। लड़के के परिवार वाले तो मान गए, लेकिन लड़की के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। कड़ी मशक्कत के बाद भी जब निराशा के सिवा हाथ कुछ न लगा, तब लड़की ने लड़के से कहा कि वो सनातन धर्म अपनाने के बाद ही उससे शादी करेगी। रुखसाना ने पहले सनातन धर्म अपनाया और फिर नाम बदल कर रुक्मणी बन गई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनकर मुजफ्फरपुर की रुखसाना रुक्मणी बन गई। हाजीपुर में पहले अपने प्रेमी के साथ गंडक नदी में डुबकी लगाई, फिर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान कथा का पाठ किया था। बाबा बागेश्वर ने इस प्रवचन के दौरान हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कही थी। बाबा बागेश्वर इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में हुए अपने कार्यक्रमों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं। बाबा के नौबतपुर वाले इस प्रवचन से मुजफ्फरपुर की रुखसाना इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने प्यार के लिए मजहब की दीवार को लांघने का फैसला कर लिया, और इसी के साथ प्रेमी युगल जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। रुखसाना का नामकरण करने वाले यानी रुखसाना को रुक्मणी बनाने वाले और दोनों की शादी कराने वाले पंडित जी का क्या कहना है, ये सुनिए। हमारा धर्म का जो पद्धति है, जो शास्त्रों का जो नियम है, उसके अनुसार से मैंने उसे पहले रात भर गंगा तपस्या करवाया, प्राश्चित करवाया, प्राश्चित उपरांत उसे 10 विध स्नान करवाया। 10 विध स्नान कराने के बाद पंचगम प्राशन कराया। पंचगम प्राशन करने का अर्थ होता है कि जत्वगतिगतम पापम, शरीर में जितना सारा पाप हो जाए केवल वैदिक व्यवस्था के अनुसार पंचगम प्राशन कर लेने से ही वह तमाम पाप ताप संताप दोष दूर हो जाता है। उसके अनुसार हम गंगा नदी पर उन्होंने पंचगम प्राशन कराया, और पंचगम प्राशन के अनुसार अपने समाजों के साथ वैदिक व्यवस्था के अनुसार अंतर्गत हमने शादी कराई, जो शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई और वर वधु भी दोनों खुश है शादी करके। यूं तो बाबा से प्रभावित भक्तों की चर्चा सुर्खियों में बनी ही रहती है, पर रुखसाना का किस्सा अलग मालूम होता है। तमाम बंदिशों के बाद भी किसी भी तरह की लाचारी का शिकार ना होना और हर सीमा को पार कर जाना ही प्यार की पहचान होती है, और इसी पहचान को अपनाया है मुजफ्फरपुर की रुखसाना ने।